हेलो गुड मॉर्निंग अब भी बन यूट्यूब माई फैमिली वेलकम बैक माई चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ सो so अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैं आज दिन है शुक्रवार फ्राइडे और सुबह सुबह से मैंने कर दिया है आज इस मॉर्निंग में ही ब्लॉग को स्टार्ट सो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैं सबसे पहले कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू को अपने कमरे से क्योंकि मैं सोकर उठी उठती हूँ तो मैं बेड मेड साफ़ करती हूँ फिर मैं उसके बाद कमरे में झाड़ू लगाती हूँ फिर बाकी जगह पर लगाती हूँ झाड़ू सो यहाँ पर मेरा साफ़ हो गया था बेड रहा है अच्छे से बैठ मैंने साफ़ कर दी थी तो मैं सोच रही थी कि आपस से अच्छे से मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू सो so, फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहिए एंड तक बने रहिए बिल्कुल और देखते रहिए मेरी वीडियो को सो यहाँ मैं अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी क्लीन तो मैंने कर लिया था और मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ और दस पंद दस मिनट में लग जाएगी लगभग झाड़ू सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कमरे से स्टार्ट कर देती हूँ लगाती जाऊँगी और बाकी रूम में भी लग जाएगी धीमे धीमे तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पर छः बज चुके हैं अभी सुबह आज देखिए यहाँ पे मैं आग हो गई थी रेडी नहा धो के आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी सोयाबीन की आप लोग देख सकते हैं और मैं यहाँ मैं मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है और ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी जब तक ये बॉयल होती है तो मैं साथ साथ में देखिए मैंने यहाँ पे प्याज कट कर करके रख ली है और उसमें साथ में लहसुन और अदरक भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया है इसमें चॉपर में चौपर मैं। तो मैं इसको मैंने इसे तो रात में ही करके रख दिया था और मैं थोड़ी सोचती हूँ कि कभी लेट नहीं हो जाए सुबह तो से तो मैं ऐसा कर लेती हूँ सो यहाँ पे मेरी सोयाबीन अच्छे से बॉयल हो रही है साथ साथ में इंडक्शन पर मैंने रख दी है और मैं सोच रही हूँ कि साथ में ही बगल वाले गैस पर इस वो मसाला बना लेते हैं जब तक फ्राई होती है सोयाबीन तो मैं यहाँ पे क्योंकि प्याज कटी सब कुछ मतलब कद्दूकस रखी है तो उसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी और उसके बाद मैं जब तक पूरा मसाला रेडी हो जाएगा तो मैं उस जल्दी से काम हो जाएगा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि साथ साथ में ही कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने हींग डाल दी और मैं अब इसके साथ जीरे भी डाल दूंगी तो आपको कैसी लगती है सोयाबीन की सब्ज़ी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्हें सोयाबीन की सब्ज़ी खानी है तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं उनकी भी फरमाइश पूरी कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं सब तो गर्म मसाला डाल रही हूँ मैं इसको थोड़ा सा डालती हूँ ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ इसमें और इस मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी कल में क्योंकि ऐसे डालते हैं तो मुंह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में टेस्ट ही खराब हो जाता है सो so, यहाँ पे देखिए मेरी ये अच्छे से बॉयल हो रही है साथ साथ में हो जाएंगी और यहाँ पे देखिए मैं कर दूँगी अच्छे से फ्राई और मैंने प्याज भी डाल दी है फ्राई करने के लिए जब तक ये फ्राई होती है अच्छे से तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ मसाले में क्या क्या डालेंगे वो भी आप लोगों को बताऊँगी तो मेरी सब्जी रेसिपी देख लिया मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी शेयर करिएगा तो यहाँ पर देखिए मेरी हो गई है सोयाबीन अच्छे से बोइल मैं अच्छे अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ फिर इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ ऑयल में और देखिए ये मैंने बना लिया है मसाला मैन मसाले में सब कुछ ऐड कर दिया है और जो भी डेली -डे -डे, उसका डेली -डे सब्जी में डालते हैं मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती हूँ ज़्यादा वैसे हैवी भी, मसाला भी नहीं बनाती हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी प्याज भी हो चुकी है और साथ साथ में मैंने बगल में रख दिए कढ़ाई और कढ़ाई में मैं अब इसको सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि फ्राई करने के कर लेते हैं ना तो इसका टेस्ट अलग ही आ जाता है और ऐसे खाते हैं मना फ्राई के तो कुछ अलग ही लगते हैं सोया पे मैं तेल डाल दूँगी और उसके उसमें अच्छे से सोयाबीन भी डाल दूँगी और सोयाबीन डालने के बाद मैं अच्छे अच्छे से फ्राई कर लूँगी हल्की सी गैस स्लो करके ज़्यादा तेज में नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज़ कर दी थी तो यहाँ पे चिपक जाती है क्योंकि ये कढ़ाई है ना बहुत पतली है तो इसमें ज़्यादा गैस तेज, तेज नहीं कर पाते हैं और बगल में मेल हो रहा है सोयाबीन का मसाला तो, तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला भी डाल दिया था तो वो भी अच्छे से पक जाएगा ऐसे मैं भी अच्छी सलू भी अच्छे स्लो मतलब धीमे आँच पे पचा पका लूँगी ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी क्योंकि जितना मसाला अच्छे टाइम तक पकाते हैं ना तो सब्जी का अच्छा से टेस्ट आता है वरना जल्दी से पका लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कच्चा रह गया हो कुछ टेस्ट नहीं आता है खाने में तो मैं उसे कम से कम पाँच दस मिनट तक तो पकाती ही हूँ स्लो कर देती हूँ वो पक... और यहाँ पर मेरी बन रही है साथ में बिरयानी तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था साथ में ही और यहाँ पर मैंने तेज पत्ता और खड़ा करस मसाला डाल दिया है और अच्छे से बटर भी डाल दिया है मैं बटर से फ्राई करूँगी ऑयल से नहीं करूँगी क्योंकि बटर से अच्छा टेस्ट आता है इसे खाने में बिरयानी को तो मैंने इसमें हींग डाल दी है हींग तो मैं, मैं मैक्सिमम समय डालती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है हेल्थ के लिए और जीरे डाल दिए हैं यहाँ पे देखिए मैं अब सोयाबीन जो मैंने बॉयल की थी मैं वो भी डाल दूँगी साथ में और ये भी साथ साथ में फ्राई हो जाएगी और मैंने अभी मिर्ची नहीं डाली है मैं मिर्ची भी डाल दूँगी अभी मुझे ध्यान भूल गया था याद नहीं रहा क्योंकि मैं बान्या के लिए बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मिर्ची डालना नहीं है तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता मिर्ची की ज़्यादा लेकिन आ गई दी थी यार तो मैंने वो भी डाल दी थी साथ में और एक ये जो घर की मलाई रहती है तो एक चम्मच मैंने वो भी डाल दी है इससे भी अच्छा से टेस्ट आ जाता है खाने में और मलाई तो कोई भी डाल सकते हैं दही हो घर में तो वो भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसको जो डालना हो जैसा अपना टेस्ट बनाना और ये मेरा मीट मसाला घर पर रहता है जो मैं अपनी सब्जी में ऐड करती हूँ वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी आप लोग चाहो तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगता है मसाला वो आप लोग कर ऐड कर सकते हैं इसमें और मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से अब फ्राई कर दूँगी और फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी और ये पानी के बाद फिर चावल डालूँगी तो यहाँ पर देखिए मेरे जो बगल में सोयाबीन चढ़ी थी तो वो कितने अच्छे से मसाला पक गया और कितने अच्छे से फ्लेवर आ गया है तो मैं अब इसमें सोयाबीन ऐड कर दूँगी और इसमें भी पानी मिला मिला दूंगी सो so, जब तक ये अच्छे से पकेगी इसे पकने देते हैं तो तो बनता ही रहेगा और ये तो डेली का काम रहता है हम लोगों का हमारे स्वास्थ्य का तो यहाँ पे देखिए मैं बना लूंगी और मेरा हो चुका था यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए रूम में और जब तक सोच रही थी कि चलिए कुछ कपड़े धुल लेते हैं क्योंकि अब होली आने वाली है तो होली पे तो कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है अपना घर सजाना ही पड़ता है सफाई हुई कपड़े हुई तो धुलना ही पड़ता है तो मैंने यहाँ अभी से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कुछ दिन ही बचे हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बचे होंगे धीमा धीमे करके कर लेंगे थोड़ा थोड़ा क्योंकि एक साथ तो कुछ नहीं हो पाता है तो सोच रही थी चलो आज कपड़े धुल लेते हैं तो मैं यहाँ से सब गद्दे वगैरह निकाल के कवर निकाल लूँगी और बेड वगैरह के क्वेशन के सब के निकाल लूँगी और ये डाल दूँगी मैं मशीन में तब तक ये धुलते हैं तो मैं और जो मेरा काम रहता है तो फिर मैं वो कर लूँगी तो यहाँ मैं निकाल रही थी देखिए कवर और मेरी प्रिंसेस है मेरी साथी खड़ी है खेल रही है उसका तो वैसे ही रूटीन है कि मेरे ही खेलना है और काम करवाना है तो फ्रेंड आज मेरी काफ़ी ज़्यादा सफाई हो चुकी है और आज मुझे बहुत सुकून मिला है करने के बाद और जब वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद तब और ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि हम लोगों का तो यही काम रहता है घर का जो रहता है वही करना पड़ता है और बच्चे वगैरह सब मतलब देख नहीं पड़ते हैं तो लगता है कि अपने अकॉर्डिंग ही करें और जल्दी से निपट जाए ना तो और ही अच्छा लगने लगता है लेकिन बच्चों का साथ रहता है ना तो धीमे धीमे से सुल कर पाते हैं ज़्यादा टाइम लग ही जाता है सो कोई बात नहीं क्या काम है हम लोगों का घर का ही तो रहता है तो करते रहते हैं सो आज से तो स्टार्ट कर दी अब होली आने वाली है और वैसे भी मैं हर फेस्टिवल मतलब कोई ना आता है ना तो मैं धुल ही लेती हूँ कुछ अभी मेरे पर्दे भी धुलेंगे ये भी रह गए हैं धुलने के लिए और गंदे हो ही जाते हैं और कभी धुलेते संक्रांति पर और फिर से गंदे हो गए हैं और गंदे की कुछ कहो नहीं सब ऐसा ही रहता है कितना काम करो कम ही कर पड़ जाता है सो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी धुल चुके थे तो हम लोगों का काम तो रहता है कि कुछ ना कुछ करते ही रहें लेकिन बैठने का मन तो करता ही नहीं है सो सोच रही थी कि यहाँ पे फ्रिज ही साफ़ कर लें तो फ्रिज को लेकर बैठ गई यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे यहाँ पर साफ़ कर लूँगी अच्छे से और ये भी मैंने कभी अभी कुछ दिन पहले ही किया था लेकिन मन नहीं मार रहा था कि थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है तो इसे भी थोड़ी साफ़ कर देते हैं अच्छे से सो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है ज़्यादा कुछ पूरा सामान निकाले के तो नहीं किया है बस थोड़ा थोड़ा थ गंदा दिख रहा था जहाँ जहाँ पर तो वहाँ पर मैं कर दूँगी इसे अच्छे से क्योंकि हाथ वगैरह लग जाते हैं गंदे वंदे हाथ रहते हैं कभी तो उससे गंदा हो जाता है तो ऐसे अगर साफ अच्छे से करते रहो ना तो ये अच्छे से क्लीन मतलब डेली करो ना तो डेली नहीं कर सकते तो कम से कम एक दो दिन छोड़ के तो कर सकते हैं तो इससे अच्छा दिखने लगता है ये साइन मारता है और देखने में भी अच्छा लगता है और जो भी सामान रखते हैं तो वो कुछ गंदा नहीं होता है इसमें और वैसे भी अब तो गर्मी आ गई है तो इसकी ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका तो यूज़ बहुत ही करते हैं अब हम लोग सो फ्रेंड चलिए आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो मत भूलिए अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ सो so, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक, तक देखते रहिए मेरा चैनल एस टी की लाइफ चैनल बाय टेक केयर ख्याल रखिए अपना